हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हेलो, मैं आदित्य त्रिपाठी और ये हमारे भाई साहब हैं अंकुर त्रिपाठी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चैनल जो है वो पेट्स पे आधारित है, तो हमारे पास अभी कोई भी पेट्स रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है और आएगा भी तो आप और हम उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। इस वजह से हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उन लोगों के लिए हम कुछ पॉइंट्स हैं जो लेकर के आए हैं और हमारे भाई साहब कह भी रहे थे कि इन्हें कुछ पॉइंट्स है जो लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये आपको बताएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी पेट्स लवर है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर करें, जरूर से जरूर शेयर करें। तो आगे जो भी है हमारे भाई साहब आपको बताएंगे इनका क्या पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात हम आप लोग को ये बता दें कि वी आर नॉट सपोर्टिंग द एनी पॉलिटिकल पार्टीज। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं और आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस 21 दिनों में हम आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट्स और इस तरीके की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हम आप लोगों के सामने रख सकें। तो भाई साहब आप स्टार्ट करिए। पहले तो आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आजकल हमारा देश जो है एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है जो कि कोरोना वायरस है, और इस कोरोना वायरस में हम अपने देश जो अपनी संस्कृति है उसका वसुधैव कुटुंबकम का नारा देना चाहेंगे, जो हम सब मिलकर एक काम करें। और आप सबको पता ही है कि जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और लॉकडाउन में आज पांचवा दिन है लॉकडाउन का, और लॉकडाउन का पांचवा दिन है और जैसा कि अब सब लोग वीडियो डाल रहे हैं, सब हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सब डाल रहे हैं कि घर में हेल्दी हैं। कोई लोग मतलब स्टे फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो लोग हेल्दी हैं और काफी मतलब जितना मिडिल क्लास है मैक्सिमम सब लोग घर पे ही हैं और सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं घर पे। कुछ लोग कह रहे हैं बोर भी हो रहे हैं, कुछ लोग खाना अच्छे अच्छे खाने बना रहे हैं खा रहे हैं, कुछ लोग स्टे फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो भी इस चीज को इन्जॉय कर रहे हैं। बट मोस्टली मिडिल क्लास लोग जो है लॉकडाउन में अंदर ही हैं, आज बिल्कुल अंदर हैं। और इस लॉकडाउन का फायदा भी हुआ है क्योंकि जैसे अभी इनिशियली 2-3 दिन रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जैसे लॉकडाउन में जो केसेस हैं जो 2 दिन में दोगुने हो रहे थे, अब वो क्या हुआ है कि 5 दिन में दोगुने हो रहे हैं। तो करंटली सिचुएशन ये है कि अभी जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं इस समय टोटल इंडिया का जो रिपोर्ट है पेशेंट आए हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स है 1173। अब टाइम भी बता दो क्या टाइम हो रहा है। टाइम ये है 11:58 और डेट क्या है? डेट है आज का 30th मार्च। ओके, 30th मार्च डेट है। और ये जो है टोटल जो मामले आए कंफर्म है इंडिया केसेस में, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, हम आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से बता रहे हैं, ये जो covid19india.org है उस पे बता रहे हैं टोटल जो केसेस आए हैं वो 1173 है, जिसमें से एक्टिव केसेस जो है 1042 है और जो रिकवर्ड हो चुके हैं ये अच्छी बात है, काफी लोग रिकवर भी हो रहे हैं, 102 जो 102 लोग हैं और जिनमें डेथ हुई है 29। सबसे मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज हम ये क्या कहना चाहेंगे, लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं। इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा था बैठ के एक दिन की अगर आप किसी भी दिन रैंडमली, अभी तो लॉकडाउन है कोरोना वायरस का वजह है, मैं किसी भी दिन न्यूज पेपर खोलता था तो फ्रंट पेज पे या बीच पेज में हर पेज पे एक एक्सीडेंट या 2 एक्सीडेंट की बातें होती थी। और पूरे इंडिया में सोच लीजिए इतने सारे स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में मैक्सिमम आप लेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम 100 और मिनिमम आप लेंगे तो 75-70 तो हो ही जाएगा। इतने लोग केवल अपने इंडिया में वन डे में एक्सीडेंट से मरते हैं, मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोग मरते हैं एक्सीडेंट से। ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी जब नितिन गडकरी ने ये जो क्या बोलते हैं जो रोड सेफ्टी का जो रूल लगाया था जिसमें चालान कट रहा था लोगों का काफी ज्यादा, उसमें नितिन गडकरी ने एक वो बताया था, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उन्होंने बताया था कि 15 लाख लोग इंडिया में केवल एक साल में एक्सीडेंट से मरते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डाटा है, उसको हम लोग सीरियसली लेते नहीं है। अब चूंकि ये कोरोना वायरस का इतना भय लोगों के अंदर पैदा हो गया है, इतना फियर है, इसकी वजह से इतना सीरियसली रहे, हालांकि भगवान ना करे इतना डेट्स जैसे इटली वगैरह में हो रहा है वहां हमारे कंट्री में हो, बट अभी भी 29 डेट्स हुई हैं और लोग रिकवर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो मैक्सिमम लोग इनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो रिकवर कर रहे हैं, इसमें रिकवरी काफी अच्छी चल रही है। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप अपने अंदर पॉजिटिव विटनेस रखिए कि आप जितना अपने आपके अंदर पॉजिटिव रखेंगे उतने अच्छे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और जैसा कि नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि में क्या होता है कि नवरात्रि में जो कि पॉजिटिव वाइब्स आते भी हैं, नवरात्रि में जो एक एनर्जी रहती है, जितनी भी निगेटिव एनर्जी रहती है जो कि जो क्या बोलते हैं निगेटिव एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी इन्वाइव होती है अपने अंदर से। तो आप अपने घरों में रहें, सबसे बड़ी बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपने घरों में रहें और पॉजिटिव रहें,
अच्छा सोच रखे हैं, अच्छा खाना खाए। अच्छा हम लोग भी भाई क्या किया जाए, कोई काम है नहीं तो हम लोग भी सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, सुबह योग करें, आ जाए ऐसी चीज खाए पिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जो आपके घर में क्या बोलते हैं जो शुद्ध खाना, अब तो सब शुद्ध ही खा रहे हैं क्योंकि बाहर का तो कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, जितने जंक फूड है ऑलमोस्ट बंद है, तो इस वजह से जो क्या बोलते हैं जितने भी जंक फूड है सब बंद है मैक्सिमम, तो जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है इस वजह से। और ये जो वीडियो बनाने का हमारा असली मकसद ये था कि जो अभी मतलब इनिशियली अभी हम लोग दिल्ली में देखे हैं कि जो अभी हम लोग तो घर में भी थे और 20 से 30,000 लोग जो बस स्टैंड पे दिखाई दिए हैं दिल्ली में, तमाम बस स्टैंड पे जैसे कौसाम्बी बस स्टैंड पे दिखाया, कश्मीरी गेट बस स्टैंड पे, आनंद विहार बस स्टैंड पे, तमाम लोग बॉर्डर्स पे आ रहे हैं और बॉर्डर्स पे इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं ये सोचने वाली बात है। क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग सोच रहे थे कि सब मिडिल क्लास फैमिली घर पे है और घर पे हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे, और जितने लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं, बट ये केसेस कम नहीं हो रहे हैं, काफी बढ़ रहे हैं केसेस। और ये केसेस बढ़ने का जो मेन मकसद था कि हम लोग केसेस बढ़ने का जो मेन मकसद था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग कम करें, तभी अचानक एक वीडियो आई और एक जो फुटेज आई वो वहाँ की जो आनंद विहार बस स्टैंड की बहुत ही खतरनाक वो फुटेज थी कि वहाँ 20-30,000 लोग इकट्ठे हो गए हैं पूरे दिल्ली से, और दिल्ली से इकट्ठे होकर वो लोग घर जाना चाहते हैं। मोस्टली फोटोज फुटेज मैं दिखा भी सकता हूँ, ये फोटोज है जो वाले पेपर में आपको पेपर में दिखाई दे दे, यू कैन सी क्या कंडीशन है, ये आज के पेपर में है। कंटिन्यू, तो ये जो सबसे खतरनाक स्थिति है, अगर सोच लीजिए आप इसमें से अगर एक बंदा भी कोरोना संक्रमित हो तो इस तरह से ये जो इंडिया में बहुत बड़ी त्रासदी आ सकती है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये जो 20-30,000 लोग हैं उसमें से अगर एक भी बंदा अगर कोरोना संक्रमित हुआ तो इससे बहुत ज्यादा त्रासदी होगी, क्योंकि ये सब लोग अपने शहर अपने कस्बे और अपने गाँव में जाएंगे, जो भी मैक्सिमम लोग यूपी और बिहार के ही हैं। इसलिए गवर्नमेंट आखिर में किसकी गलती है, या तो दिल्ली गवर्नमेंट की गलती है, यूपी गवर्नमेंट की गलती है, बिल्कुल कहा नहीं सकता, लेकिन इसमें बहुत गंदी पॉलिटिक्स भी हो रही है, ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारे देश पे एक संकट भी है, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि संकट है, अगर हम आपस में मिलजुल के एक दूसरे का साथ देंगे तो ही संकट से उभर सकते हैं। लेकिन ये जो 20-30,000 लोग हैं आखिर में ये लोग आए कहां से, क्योंकि यूपी बिहार के लोग अगर आप देखें तो हर स्टेट में रहते हैं, मैक्सिमम लोग बॉम्बे में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, बैंगलोर में रहते हैं, वो लोग जॉब करते हैं वहां पे। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि क्यों ये लोग दिल्ली से ही आ रहे हैं और दिल्ली से ही निकल रहे हैं, दिल्ली में क्या सीन है। आगे में उन लोग को जो लोग निकल रहे हैं उन लोगों को पूछा गया, उन लोगों से क्वेश्चन किया गया कि आपको खाने की सुविधा उपलब्ध है, आपको रहने की सुविधा उपलब्ध है, आपको समय पे खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको क्या दिक्कत है, आखिर में पूछने वाला कौन है, गवर्नमेंट ही ने पूछेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं पूछा तो ही दिक्कत हुई वहां पे। अब जैसे एक राघव चड्ढा है, क्या बोलते हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया कि क्या बोलते हैं जो योगी जी हैं वो डंडे मरवा रहे हैं जो लोग यूपी में बाहर से आ रहे हैं। इस समय गलत बयानबाजी, चाहे वो किसी भी पार्टी से आप संबंधित हो, हम किसी भी पार्टी का इसमें फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल बंदे की वजह से जो हमारा एक भारतीय नागरिक होने की वजह से जो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी पार्टी से ऊपर उठ के सब एक साथ आगे अगर इस लड़ाई में आगे बढ़ते हैं तो हम इस लड़ाई को जल्दी जल्दी हम जीत पाएंगे। और इसमें सबसे बेसिकली कह रहा है, हम देखे थे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में, दो दिन से आम आदमी पार्टी वाले जो है और बीजेपी वाले जो है एक दूसरे पे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आपने ये कर दिया आपने वो कर दिया। इस समय सोचने वाली बात ये नहीं है कि आपने क्या किया, सबसे बड़ी बात है कि वो 30,000 लोग आए हैं, आगे ऐसा हो कि उन लोगों को सही जगह मिल पाए रहने के लिए, उनको अच्छी मेडिसिन मिल पाए, उन मेक श्योर कि उनका सबका थर्मल चेकअप हो, और अगर उसमें से भगवान न करे अगर कोई भी संक्रमित निकल गया तो हमारे देश की बहुत बड़ी त्रासदी होगी, बहुत ज्यादा लोग उसमें कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए ये जो भी हुआ है, आखिर में बीच में भी क्वेश्चन उठा था कि जो लोग कुछ लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, कुछ दिन बंद कर दिया ताकि लोग अपने घर पहुंच जाए, लेकिन आखिर में ये लोग निकल कैसे रहे घर से। अभी केरल के मुख्यमंत्री उनका एक बहुत शानदार बयान आया कि आप जितने भी लोग अदर अदर स्टेट्स के रह रहे हैं उनका सबका वो सब हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे लड़के हैं, आप हमारे साथ रहिए, आपको कोई भी जरूरत हो हम प्रदान करेंगे। आखिर में ये मैसेज हमारी दिल्ली सरकार यूपी सरकार क्यों नहीं दे पाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये कोरोना वायरस अगर एक बंदे के भी अंदर हुआ तो जैसे वहां सरकार आपको मैसेज दे रही है सोशल डिस्टेंसिंग का कि आप 3-4 मीटर दूर रहें, और आप देखे होंगे आप सब लोग के देखे होंगे सोशल मीडिया पे तमाम फुटेज आ रही हैं, लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। सुबह गोरखपुर जो हमारा रेलवे बस स्टैंड है वहां की भी फोटो आई कि लोग एक के ऊपर एक चढ़ के बसों में चढ़ रहे हैं। आखिर में स्थिति कैसे पैदा हुई ये सोचने वाली बात है। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं किसी कंपनी के मालिक हैं और आप कोई भी हो जिससे आपके अंदर मजदूर काम करते हो, आप उनकी व्यवस्था अपने स्वयं कर लें। अगर आप 5-10 आदमी आपके अंदर काम करते हो तो आप उसकी व्यवस्था कम से कम उनको खाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट आप। और अंतिम में आपसे ये भी कहना चाहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए जो योगदान देने की बात कही है, मैं देख रहा हूँ, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट भी किया था ये, कि काफी लोग एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि फलाना एक्टर ने इतना नहीं दिया, फलाना एक्टर ने ये नहीं किया, फलाने खिलाड़ी ने ये नहीं किया, क्रिकेटर्स ने नहीं दिया। मेरी हाथ जोड़ के आपसे ये विनती है कि आपका जो सहयोग हो, यथा योग्य जो आपको बनता हो
आप अपने तरीके से करिए, ये ना देखिए कि दूसरा कोई क्या कर रहा है। अगर आप उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रदर्शित करिए, और ना करना चाहते तो गुप्त दान किए। बहुत लोग ऐसे हैं जो गुप्त दान भी किए हैं लेकिन वो प्रदर्शित करना नहीं चाहते हैं, हो सकता है आपको जानकारी ना हो उनकी, लेकिन अगर आप उनको गाली दे रहे हैं तो हो सकता है उनको भी बुरा लगे। इसलिए आप जो यथायोग्य हो अपने आप उसको योगदान करिए, और इसके लिए योगदान के चलते हमारा अगर एक रुपये, सोच लीजिए हमारी इस समय जनसंख्या है 130 करोड़ की, अगर एक बंदा एक रुपये भी योगदान करता है तो 130 करोड़ रुपए जाता है, 130 करोड़ रुपए जाएगा, जो बहुत बड़ी रकम हो सकती है। तो आप मिनिमम हमारे 51 रुपए हम लोगों ने जो हम लोगों से बन सकता था हम लोगों ने किया, लेकिन आपका जो भी हो आपके पास 21 रुपए 51 रुपए 501 रुपए जो भी आपको करना हो, लेकिन हाँ इसमें आप किसी को छोड़ा ना सकें। आपके अगल बगल कोई ऐसे लोग हो जो जो जिनको खाना ना मिलता हो, गरीब हो, जैसे कोई धोबी हुआ या कोई जैसे बाल काटने वाले हुए, अगर उनको ऐसे कोई दिक्कत हो तो आप उनसे पूछ के उनकी मदद कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी हम लोग की वीडियो बनाने का मकसद था कि सोशल डिस्टेंसिंग आप कायम रखिए, और हर 5 मिनट पर वो डिस्टेंसिंग कायम रखिए। और ये जो हो रहा है भगवान से ही मना है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो हो वो कोरोना संक्रमित ना हो। अब सब लोग जितने भी गए, क्योंकि ये लोग हमारे ही आसपास आएंगे, किसी कोई गांव में जाएगा, कोई शहर में जाएगा, कोई सड़कों पर जाएगा, और इस पे क्या दिक्कत होगी कि जो सड़कों पर जाएंगे अगर एक भी आदमी संक्रमित मिल गया तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो भगवान से हमारी यही आशा है कि इनमें कोई संक्रमित ना हो और सब लोग सेफ हो। तो आप लोग भी घर पर सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड मेक श्योर यू ईट हेल्दी फूड ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। थैंक यू।